काले पड़ जाते हैं, जो एक अच्छा साइन नहीं होता है। ताकि स्विफ्ट टेम्परेचर चेंज की वजह से बर्तन चिटके नहीं, वेलकम टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज का वीडियो एक पेंडिंग वीडियो है जो काफी समय से मैं बनाने की कोशिश कर रही थी और आज मैं आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मिट्टी के बर्तन में मैं खाना कैसे बनाती हूँ और मैंने रिसेंटली इन बर्तनों को अपनी लाइफ में ऐड किया है। आजकल बढ़ते हुए हेल्थ इश्यूज को देखते हुए हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, तो उसके चलते ही मैंने अपने किचन में इंट्रोड्यूस किया है मिट्टी के बर्तनों को। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने मिट्टी के बर्तनों के रखरखाव, उनको खाना बनाने के लिए कैसे रेडी किया जाए और साथ ही उनको यूज़ करने के सभी इंस्ट्रक्शंस और बेनिफिट्स को शेयर किया था। और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए लिंक में जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट टू वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मिट्टी के बर्तन में हम दाल, चावल और सब्जी कैसे बना सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस रेसिपी भी शेयर करूंगी और जिसमें हम देखेंगे सब्जी बनाने का एक सात्विक तरीका जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चलिए अब हम कुकिंग का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन और आलू की सब्जी। मैंने सुना है कि किसी भी सब्जी या फल को ज़्यादा देर तक काट कर नहीं रखना चाहिए। मेरे इस थॉट से आप कहाँ तक सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं यहाँ पर बैंगन को काट कर पानी में डालने वाली हूँ ताकि एयर के संपर्क में आकर उसका ऑक्सीडेशन ना हो और उस वजह से बैंगन या आलू काले पड़ जाते हैं, जो एक अच्छा साइन नहीं होता है। तो बैंगन को काटकर मैंने यहाँ पर पानी में सोख कर दिया है। और सब्जी में पड़ने वाली दूसरी चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और आलू वगैरह को काटकर भी मैं पहले से ही रेडी कर लूँगी। I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक मिट्टी की हांडी और इसे आपने मेरे पहले के मिट्टी के बर्तन वाले वीडियो में ज़रूर देखा होगा। और इसे मैंने पहले ही भिगो कर रेडी कर लिया है कुकिंग के लिए और ये प्रोसेस कहलाता है मिट्टी के बर्तनों की सीजनिंग। और इस प्रोसेस को उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो राइट साइड में डिस्प्ले हो रहे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें मैंने छौंकने के लिए तेल डाल दिया है। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें हमें तेल या पानी डालकर ही किसी भी बर्तन को गैस पर चढ़ाना है। और इसके बाद हम इसमें प्याज, लहसुन, मिर्च वगैरह को फ्राई कर लेते हैं। किसी भी मिट्टी के बर्तन में अगर स्विफ्टली टेम्परेचर का चेंज होता है तो उसके चिटकने का डर बना रहता है, इसलिए किसी भी बर्तन में तेल या पानी को पहले ही डाल लिया जाता है और फिर हम गैस को ऑन करते हैं। शुरू के 5 मिनट तक आप एकदम स्लो गैस पर ही कुकिंग को करें और उसके बाद आप मीडियम टू लो की तरफ गैस के फ्लेम को बढ़ा सकते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ही सब्जी को छौंका भी जा सकता है और उसे कुक किया जा सकता है, जिस तरह हम किसी भी मेटल के बर्तन में उसे पकाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। पूरे समय आपको गैस को लो पर रखने की जरूरत नहीं है। इन बर्तनों में खाना बनाने के समय एक खास बात जो ध्यान रखनी चाहिए हमें, वो ये है कि कभी भी कुकिंग के प्रोसेस के दौरान ठंडे पानी को बर्तन में ना डालें। सब्जी बनाने के समय अगर आप ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना चाहते हैं तो उस पानी को गर्म करके ही सब्जी में डालें। ऐसा ना करने से आपकी सब्जी के कुकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है और आपकी सब्जी या फिर दाल वो ठीक तरीके से पक नहीं पाती है। इस तरह से सब्जी बनाने में मुझे लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। नॉर्मल मेटल के बर्तन में आप अगर सब्जी बनाएंगे तो उसमें 5 से 7 मिनट का फर्क आपको मिल सकता है, पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 5, 7 या फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा देना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। खाना बनाने के बाद इस बर्तन को आपको डायरेक्ट स्लैब पर नहीं रखना चाहिए, ताकि स्विफ्ट टेम्परेचर चेंज की वजह से बर्तन चिटके नहीं और वो सेफ रहे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बर्तन को मैं हाथ से पकड़कर ही गैस से उतार पा रही हूँ, और जिस तरह ये बर्तन मेरे हाथ को नहीं जला रहा है, उसी तरह इसके अंदर पकने वाले खाने को भी ये जलाता नहीं है, बल्कि बहुत ही प्यार से पकाता है और खाने में मौजूद सभी पोषक तत्व खाने के अंदर ही रहते हैं। भुना हुआ जीरा और हरी धनिया से गार्निश करके आप इस सब्जी को सर्व कीजिए। पोषण से भरपूर ये सब्जी आपके पूरे ही फैमिली को सेहत देने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन बर्तनों में हम चावल और दाल को कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक हांडी और ले ली है और इसमें मैं एक कटोरी चावल को बनाने वाली हूँ। और इस चावल को हम 2 से 3 पानी से धो लेते हैं। और इस तरह खुला पकाने के लिए चावल और पानी का अनुपात 1:4 का होना चाहिए, यानी कि 1 कटोरी चावल में हम डालेंगे 4 कटोरी पानी, और इस तरह एक परफेक्ट चावल बनकर तैयार हो जाएगा। और बस हमें सिंपली इस पूरे ही बाउल को चढ़ा देना है गैस पर, और वो भी एकदम स्लो फ्लेम पर। चावल की क्वालिटी वगैरह के अनुसार पानी की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए अब हम दूसरी हांडी में दूसरी गैस पर दाल को पकने के लिए चढ़ा देते हैं। और दाल में पानी की मात्रा कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी 1 कटोरी दाल है तो मैं उसमें 8 कटोरी पानी डालती हूँ, और इस तरह पकने के बाद मेरी दाल एकदम सही कंसिस्टेंसी में रेडी होती है। और दाल में हल्दी, नमक वगैरह सभी चीज़ें डालने के बाद इस पर ढक्कन हमें कुछ इस तरह से लगाना है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा खुला रहे, और इसकी वजह से अंदर बनने वाले भाप बाहर निकलती रहती है और दाल कभी भी उबलकर बाहर नहीं गिरती है। इन दोनों ही चीज़ों को पकते हुए 20 मिनट हो चुका है और हम देख रहे हैं कि हमारे चावल अच्छे तरह से बन चुके हैं। हो सके तो आप चावल को अंडर कुक ही रखें। 90% पकाने के बाद आप अगर गैस बंद भी कर देते हैं तो उस बर्तन की हीट इतनी होती है कि वो इस हीट में ही काफी अच्छे से पक जाता है। और 20 मिनट के बाद अगर मैं दाल को देखती हूं तो ये सिर्फ 50% तक ही पकी है, तो इसे पकने में हमें अभी और भी समय चाहिए। और दाल को पकाने में मुझे लगभग 30 से 35 मिनट का समय लग जाता है। दाल रेडी हो चुकी है और आप इसे अपने मनपसंद तड़के के साथ फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। पर इतना समय देने के बाद बनी हुई दाल सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली होती है और इसमें नॉर्मल मेटल वाले बर्तन से 10 गुना ज़्यादा तक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब हम अपनी बोनस रेसिपी यानी कि आलू परवल की सात्विक सब्जी की रेसिपी को देख लेते हैं। आलू और परवल को मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटकर रेडी कर लिया है। एक हांडी को हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें दोनों ही सब्जियों को मैंने डाल दिया है।
और इसके बाद मैं इसमें 150 से 200 ml के आसपास पानी डालूंगी और इसे हम ढककर पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि मिट्टी के बर्तनों में आप किसी भी वुडन स्पैचुला और चम्मच का ही यूज़ करें। मेटल के चम्मच या फिर करछी आपके बर्तन को डैमेज कर सकते हैं। और धीमी आंच में पकाने पर ये सभी सब्जियाँ 15 मिनट में अच्छी तरह से गल जाती हैं। तब तक के लिए हम सब्जी के लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, दो हरी मिर्च और साथ ही नारियल भी लिया है। इन सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में अच्छे से पीसकर महीन पेस्ट बनाने वाली हूँ। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने नमक डालकर सब्जियों को गला लिया है। इस तरह से बनाने पर जो सब्जी बनकर तैयार होती है उसमें सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यानी कि लौकी की सब्जी में लौकी का और कद्दू की सब्जी में कद्दू का टेस्ट आपको क्लियर पता लगने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सभी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। और अगले स्टेप में हमें अपना पहले से पीस के रखा हुआ पूरा मसाला इसमें डाल देना है और फौरन ही गैस को बंद कर देना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए हम लिड को लगा देंगे और इस पूरे बर्तन को ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। इस बर्तन की अपनी हीट में ही बना हुआ मसाला और सब्जी एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे और 10 मिनट के बाद आप इसे भुना जीरा डालकर हरी धनिया से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। सच मानिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस सब्जी में तेल नहीं पड़ा हुआ है, यानी कि ये बिना तेल की सब्जी है। इस तरह से बनी हुई सब्जी अगर आप वीक में एक बार खाना भी शुरू करते हैं तो आपको इसका हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।